Alright, so hey guys, welcome back to another video. Guys, आशा करता हूँ हम लोग बहुत ही बड़े होंगे। तो guys, after a long time हम लोग लेके आ चुके एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो के साथ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो guys, finally हम लोगों ने यहाँ पर आज अपना इंडियन कार वर्सेस हम लोग अपना पाकिस्तानी कार्स का लाइनअप लगा दिया है। एंड गाइज, आप लोग कुछ तो यहाँ पर नोटिस कर ही सकते हो कि हम लोग अपने इंडियन कार्स एंड अपना पाकिस्तानी कार्स का पीछे भाई रॉकेट लगा दिया, यानी अपना भाई बूस्टर बना दिया इंडियन कार को एंड पाकिस्तानी कार्स को। तो गाइस, बहुत टाइम से तो हम लोग मतलब करते हैं इंडियन कार वर्सेस पाकिस्तानी कार टॉप स्पीड टेस्ट, लेकिन गाइस क्या गाड़ी पे अगर बूस्टर यानी रॉकेट लगा देने के बाद गाड़ी का पावर कितना तक जाएगा एंड कितना स्पीड में 100 पहुंच जाएगा, वो आज हम लोगों को देखना है। तो उसी वजह से हम लोगों ने गाड़ी पे गाइस यहां पर रॉकेट लगा दिया भाई, फुल वाला तगड़ा तरीके से यहां पर भाई रॉकेट का चिंगारी निकलते हुए गाड़ी आगे की तरफ जाएगा एंड टॉप स्पीड देखेंगे एंड भाई 0 to 100 टेस्ट भी देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर इंडियन कार्स का कलेक्शन, पाकिस्तानी कार्स का कलेक्शन देख सकते हो एंड यहाँ पर भाई पीछे साइड से आप लोगों को अगर दिखाए तो देखो भाई पूरा ही भाई यहाँ पर रॉकेट का लाइनअप लग चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। तो गाइस अभी ज्यादा वेट का कहना है भाई, फटाफट लेते अपना इंडियन कोई एक गाड़ी। तो भाई सबसे पहले अभी हम लोग लेके चलेंगे गाइस इंडिया की तरफ से गाइस अपना महिंद्रा स्कॉर्पियो N2022 मॉडल। तो गाइस सबसे पहली बात हम लोगों को गाड़ी को ना पूरा स्ट्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग बूस्ट देके ना भाई पूरा एक्सेलरेट करेंगे भाई, तब हम लोगों का गाड़ी का पावर भाई मतलब सच बता रहा हूं भाई, यहां पर गाड़ी मतलब संतुलन बिगड़ के किधर भी जा सकती है। तो गाड़ी को प्रॉपर सीधा रखना पड़ेगा एंड गाइस गाड़ी का स्पीड कितना क्या तक जा रही है गाइस आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक अगर अपना स्कॉर्पियो N/450 तक जाता है, 500 तक जाता है, तो आप लोग मतलब लाइन बाय लाइन मुझे बताते जाना कि कौन सा गाड़ी का कितना टॉप एंड रहेगा, आई मीन रहता है। तो क्योंकि मैं उतना तो भाई खेलते खेलते पता नहीं लगेगा मुझे, सो आप लोग भाई मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से अपना स्कॉर्पियो एन जा रही है, सो लेट्स गो। यहां पर फुल पावर गाइस, बूस्टर हम लोगों का खत्म हो चुका है एंड गाड़ी अभी भी जा रही है, गाड़ी अभी भी जा रही है। लेकिन गाइस गाड़ी बूस्टर से भाई हम लोगों का कितना तक गया था, 420 तक तो मतलब टॉप एंड गया था भाई, 420 तक गया था गाइस अपना गाड़ी का टॉप एंड, लेकिन उसके बाद नहीं गया क्योंकि हम लोगों का बूस्टर के वजह से एकदम से पावर चला गया। लेकिन जब बूस्टर हम लोगों का खत्म हुआ गाइस, तब हम लोगों का गाड़ी का पावर कमते ही जा रहा था, दैट्स व्हाई यहां पर हम लोगों का वो गाड़ी 420 आई थिंक सो समथिंग गया था। सो इस गाड़ी को गाइस इधर पे पार्किंग पर लगाते भाई लोग एंड लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई अपना कोई पाकिस्तानी गाड़ी। तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहां पर पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कार जो कि अपने पास है अल्फा रोमियो। तो गाइस अल्फा रोमियो को भी कर लेते भाई सीधा एंड गाइस कितना क्या स्पीड पे 100 जा रही है वो तो देखना ही पड़ेगा। लेट्स गो, यहां पर गाड़ी अपना जा रही है एंड भाई 513 तक गाड़ी भाई गया था भाई, इसका बूस्टर अच्छा था भाई, एकदम से 513 पे पूरा ही लॉक हो गया था। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो गाड़ी का स्पीड भाई पूरा ही कमते कमते भाई एकदम से 380 पे आ चुका है, इससे भी कम होगा मुझे जितना तक लग रही है। फिलहाल पाकिस्तान का भी गाइस 1 पॉइंट हो चुका है। सो गाइस इस वाले गाड़ी को भी भाई साहब पार्किंग पे लगाते हैं, लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट कोई इंडियन कार। ऑलराइट, तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से गाइस अपना देसी गाड़ी जो कि अपने पास है महिंद्रा का बुलेरो। तो भाई लोग अभी बुलेरो का बारी आ चुका है एंड देखते गाइस बुलेरो का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। गाड़ी हो चुका है सीधा, लेट्स गो, यहां पर गाड़ी पूरा ही सही जा रहा था एंड भाई 560 तक गया था गाड़ी भाई, 560 तक चला गया था। मींस भाई अभी तक जो गाड़ी सबसे आगे है ना भाई वो अपना बुलेरो है, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो गाड़ी का स्पीड भाई धीरे धीरे कम होता जा रही है। खैर गाइस ये गाड़ी ने भी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया, ब्रेकिंग भी बहुत ही सही लग रही है गाइस, ब्रेकिंग टेस्ट भी करते हैं गाइस, क्या बोलते हो गाइस इस वीडियो पे चलो ब्रेकिंग टेस्ट भी कर लेते हैं भाई, गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है कैसा नहीं। फिलहाल बोलेरो का तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत सही था, 400 से लेकर भाई 0 पे आने में एकदम से गाड़ी रुक गया। फिलहाल बहुत ही सही परफॉर्मेंस किया, इस गाड़ी को भी इधर पर रखते हैं, लेते गाइस नेक्स्ट कोई अपना कोई पाकिस्तानी गाड़ी। राइट गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से गाइस टोयोटा का फॉर्च्यूनर 2017 मॉडल गाड़ी है गाइस। अभी देखते हैं यहाँ पर इस वाले गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है गाइस, आई होप गाइस इस वाले गाड़ी का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सो लेट्स गो, 3-2-1 करेगा, लेट्स गो भाई, बहुत ही सही जा रही है भाई, उधर की तरफ जा रही है, बूस्टर मतलब बहुत ज्यादा बच गया हम लोग, बूस्टर अगर खत्म नहीं होता ना भाई गाड़ी सीधा
भाई उधर की तरफ चला जाता। फिलहाल ये गाड़ी कितना गया मैं देखा नहीं क्योंकि रोड पे मैं फोकस कर रहा था। फिलहाल इस वाले गाड़ी का भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा सही रहा। अभी भाई ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर देख लेते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम भाई इसका भी बहुत ही ज्यादा सही है। किधर से हम लोगों ने ब्रेक लगाया एंड किधर पे आके रुका। फिलहाल अच्छा ब्रेकिंग है भाई, 400 से लेके भाई इतने में आने में मतलब सही है यार, बहुत ज्यादा सही है, जबरदस्त है। इस गाड़ी को भी गाइस पार्किंग पे लगाते हैं, लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। ऑलराइट तो बॉयज अभी टाइम आ चुका है इंडिया की तरफ से गाइस अपना टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर को ले जाने के लिए। तो गाइस अभी देखते हैं भाई सब इस वाले गाड़ी का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। सो गाइस 3-2-1 करेगा, लेट्स गो। यहां पर 3-2-1 हो चुका है। गाड़ी बहुत ही भाई 596 चला गया था भाई, गाड़ी बूस्टर भाई खत्म हो गया, नहीं तो भाई और भी स्पीड जाता यार, नहीं जाता भाई लॉक हो गया था शायद से। फिलहाल जो भी है भाई 596 तक चला गया था गाइस, आप लोग समझ सकते हो भाई तगड़ा परफॉर्मेंस किया। अभी इस गाड़ी को भी ब्रेकिंग देख लेते हैं भाई, इसका ब्रेकिंग और भी ज्यादा सही है। मीन्स मैं बहुत ज्यादा नजदीक आके ब्रेक लगाया उसके बाद भी तगड़ा परफॉर्म किया। फिलहाल इस वाले गाड़ी को भी भाई साहब पार्किंग पे लगाते हैं, लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। ओके तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से गाइस, पाकिस्तानी जंपिंग किंग कार जो कि अपने पास है आउटलैंडर। भाई इस गाड़ी का पावर बहुत ज्यादा सही है, अभी देखते हैं यहाँ पर टॉप एंड इस गाड़ी का कितना क्या रहता है। सो लेट्स गो। ओ भाई गलत सीन हो गया। ऑलराइट तो गाइस इस गाड़ी के साथ भाई गलत ही सीन हो गया था, चलो वापस से हम लोग रिट्राई ले रहे हैं। लेट्स गो। यहाँ पर भाई सामने का हिस्सा पूरा उजड़ गया भाई, बूस्टर खत्म हुआ, नहीं तो भाई ये गाड़ी सीधा जाता भाई। सामने का हिस्सा पूरा घुस गया था, पीछे का हिस्सा उड़ जा रहा था, मतलब इतना ज्यादा गाड़ी का पावर है भाई। इसका टॉर्क यार बहुत ज्यादा जबरदस्त है भाई। इस गाड़ी का टॉप एंड कितना गया मैं देखा नहीं, एंड भाई इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा घटिया, किधर पे आके रुका गाड़ी। वैसे मैंने ब्रेक लगाया किधर से, नहीं मैंने बहुत आगे से ही लगाया था, देखो भाई बहुत ही आगे से लगाया था भाई, देखो मतलब आप लोग सोचोगे नजदीक आके लगाया, लेकिन नहीं भाई आप लोग देखो भाई किधर पे आके मैंने ब्रेक लगाया, इधर से मैंने भाई ब्रेकिंग लगाया उसके बाद भाई उधर पे जाके रुका। भाई मतलब उतना भी सही नहीं है यार ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी में। खेल लेते गाइस अपना नेक्स्ट कोई अपना इंडियन का। ऑलराइट तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया के तरफ से गाइस अपना इंडियन भाई साहब जंपिंग किंग कार जो कि अपने पास है एमजी का ग्लोस्टार। तो गाइस अभी टाइम आ चुका है ग्लोस्टार का परफॉर्मेंस देखने के लिए। सो गाइस 3-2-1 लेट्स गो। यहाँ पर ग्लोस्टर भी बहुत ही सही जा रहा है, एंड भाई 533 तक गाड़ी गया था, एंड ये गाड़ी भी उसके बाद लॉक हो गया था। खैर गाइस इस वाले गाड़ी का भी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छा तो रहा, लेकिन मुझे उम्मीद था ये गाड़ी और भी ज्यादा दूर तक जाएगा, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी ब्रेकिंग लगाने का टाइम आ चुका है। हाँ भाई ब्रेकिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है इस वाले गाड़ी का। फिलहाल इस वाले गाड़ी को भी पार्किंग पर लगाते हैं, लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट तो बॉयज अभी टाइम आ चुका है पाकिस्तान के तरफ से गाइस पाकिस्तानी जंपिंग किंग कार का जीप है जंपिंग किंग कार नहीं है। फिलहाल देखते हैं अभी गाइस इस वाले गाड़ी का परफॉर्मेंस। ओ अबे भाई ये क्या हुआ, ये तो अलग ही सीन हो गया भाई, सब रुक जाओ प्लीज 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 प्लीज, गलत सीन यार। ऑलराइट तो गाइस आप लोगों ने जैसे कि देखा भाई इस गाड़ी के साथ तो अलग ही सीन हो गया था। वापस से स्टार्ट करते हैं भाई, देखो सामने का हिस्सा उड़ जा रही है भाई। अभी इस गाड़ी को मैं कैसे ट्राई करूँ आप लोग ही बताओ भाई, मैं कैसे ही ट्राई करूँ भाई। वापस से भाई सेम सीन हो रही है भाई, इसका सामने का हिस्सा पूरा उठ जा रही है। अभी ना थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बूस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी का मतलब पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसे वापस से भाई फिक्स आउट करते हैं गाड़ी को। चलो गाइस गाड़ी को तो फिक्स आउट हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा, लाइक ऐसे ऐसे गाइस हम लोगों को देना पड़ेगा। अभी स्पीड बूस्टर और ज्यादा नहीं है हम लोगों के पास, लास्ट है भाई, खत्म भाई खत्म खत्म। लेकिन गाड़ी कितना तक गया था मैंने देखा नहीं है, अगर आप लोगों ने देखा भाई जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी ब्रेकिंग लगाने का टाइम आ चुका है, बहुत पहले से ही मैंने ब्रेकिंग लगाया, लेकिन भाई ब्रेकिंग भी उतना खास मुझे नहीं लगा। खैर गाइस इस वाले गाड़ी को भी अभी पार्किंग पे लगाते हैं, लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। तो बॉयज अभी टाइम आ चुका है गाइस, इधर पे आप लोग देख सकते हो कौन सा गाड़ी है अपने पास, स्कॉर्पियो S11। तो गाइस अभी स्कॉर्पियो S11 का परफॉर्मेंस देखने का टाइम आ चुका है। सो लेट्स गो। यहां पर गाड़ी अपना बहुत ही सही जा रही है भाई, 568 समथिंग कुछ तो गया था गाड़ी अपना। एंड चलो अभी देखते हैं भाई इस वाले गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम कितना क्या कैसा रहता है। फुल ऑन गाइस 380 ऑलमोस्ट, ओके 380 से नीचे चला गया। अभी 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 इधर से ब्रेकिंग लगाने का टाइम आ चुका है भाई, व्हाट अ ब्रेकिंग ब्रो, व्हाट अ ब्रेकिंग गाइस। क्या बोलते हो भाई इसका ब्रेकिंग आप लोगों को कैसा लगा भाई? अभी तक जो गाड़ी का सबसे खतरनाक ब्रेक था ना भाई, वो अपना स्कॉर्पियो S11 पे ही था। फिलहाल लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से गाइस टोयोटा का लैंड क्रूजर भाई, ओल्ड शेप है भाई, V8 इंजन के साथ आता है ये वाला गाड़ी।
फिलहाल इस वाले गाड़ी का भी परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। सो 3, 2, 1 लेट्स गो। यहाँ पर फुल ऑन गाइस, आप लोग जब 569 तक चला गया था गाड़ी एंड उसके बाद भाई बूस्टर हम लोगों का खत्म हो गया था। फिलहाल गाइस इस वाले गाड़ी का अभी ब्रेकिंग टेस्ट भी होने वाली है। सो गाइस अभी आप लोगों को क्या लगता है इसका ब्रेकिंग टेस्ट कैसा रहेगा? लेट्स गो, अभी ब्रेक लगाते हैं। भाई उतना भी सही नहीं है भाई, उतना तो छोड़ो भाई, एकदम ही घटिया ब्रेकिंग है भाई। मुझे लगा नहीं था भाई इतना भी घटिया ब्रेकिंग रहेगा गाड़ी का, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेते भाई नेक्स्ट इंडियन। ओके, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे इंडिया के तरफ से गाइस अपना महिंद्रा थार 2021 मॉडल। तो गाइस देखते अभी इस वाले गाड़ी का परफॉर्मेंस। सो 3, 2, 1 लेट्स गो। यहाँ पर फुल ऑन गाइस, आप लोग देख सकते हो अपना गाड़ी बहुत ही सही जा रही है भाई। बूस्टर तो इसका बहुत ज्यादा था। हाँ मीन्स थार का भाई जीप है ना भाई, जीप का बूस्टर थोड़ा ज्यादा रहता है, इसका इंजन भी टॉर्बो पे आता है ना, डेट्स व्हाई। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वाले गाड़ी का ब्रेकिंग टेस्ट होने वाली है बहुत ज्यादा जबरदस्त ब्रेकिंग के साथ। गाइस ये वाला गाड़ी भी बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस किया। फिलहाल इस वाले गाड़ी को भी भाई साहब पार्किंग पे लगाते हैं, लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी। ऑलराइट, तो बॉयज अभी टाइम आ चुका है पाकिस्तान की तरफ से गाइस यहाँ पर लेक्सस 570 को ले जाने के लिए। तो गाइस अभी क्या बोलते हैं इस वाले गाड़ी का परफॉर्मेंस देख ले क्या? लेट्स गो। ओ भाई ये तो भाई अपना जीप की तरह हुआ, पाकिस्तानी जीप VJ40 की तरह। तो इससे भी ना हम लोगों को वैसे ही करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा स्पीड। सो 3, 2, 1 ऐसे ऐसे करके देना पड़ेगा, ज्यादा बूस्टर नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों का खत्म होने वाली है, खत्म हो भी गया भाई। 500 गया भाई, मतलब 500 गया भी था या नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं यार। अगर आप लोगों ने देखा है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं भाई गाड़ी पे रोड पे फोकस कर रहा हूँ। फिलहाल इस वाले गाड़ी का भी ब्रेकिंग टेस्ट देख लेते हैं, लेट्स गो। वो बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग के साथ ये वाला गाड़ी भी अच्छा परफॉर्म किया। खेल लेते अपना नेक्स्ट इंडियन कार। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे इंडिया की तरफ से महिंद्रा का XUV 500। तो भाई लोग अभी XUV का भी परफॉर्मेंस देखने का टाइम आ चुका है। सो 3, 2, 1 लेट्स गो। यहाँ पर फुल ऑन गाइस, ये वाला गाड़ी भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है NDC के साथ। 552 तक गया था मैंने देखा गाड़ी, एंड बहुत ज्यादा भाई जबरदस्त। भाई आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखना, उसके बाद ना मुझे भाई पूरा भाई लिस्ट बना के दे देना कि इंडियन ऐसा गाड़ी का इतना गया था, पाकिस्तानी ये वाला गाड़ी का इतना गया था। ओ भाई व्हाट अ ब्रेकिंग, मैंने भाई कितना ज्यादा नजदीक से ब्रेक लगाया, देखो भाई। भाई सबसे ये तो स्कॉर्पियो S11 से भी तगड़ा ब्रेकिंग लगाया भाई, मानना पड़ेगा स्कॉर्पियो S11 से भी तगड़ा ब्रेक लगाया। खैर इसको भी पार्किंग पर लगाते हैं, लेते हैं अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी टोयोटा का पराडो। तो भाई लोग अभी देख लेते हैं पराडो का परफॉर्मेंस। सो गाइस आर यू रेडी बॉय, लेट्स गेट। यहां पर देख लेते हैं भाई साहब, वो 640 तक। भाई क्या था ये 640, अरे यू क्रेजी ब्रो, 640 चला गया था भाई साहब लिटरली। भाई बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया भाई ये वाला गाड़ी ने। अभी ब्रेकिंग का टाइम आ चुका है भाई। नहीं नहीं नहीं, व्हाट अ कंट्रोलिंग ब्रो, रेब्स ओजी, यू आर ओपी मैन, यू आर अमेजिंग कंट्रोलर। क्या बोलते हैं भाई, मैं भूल गया जो भी है वो है। खैर भाई इस वाले गाड़ी को भी इधर पे रखते हैं, लेते अपना लास्ट इंडियन कार। ऑलराइट, तो गाइस अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेके चल रहे हैं गाइस अपने इंडियन लास्ट गाड़ी, जो कि अपने पास है टाटा हैरियर 2024 मॉडल। सो लेट्स गो। वो क्या है ये भाई अभी संतुलन बिगड़ रहा था। फिलहाल गाड़ी 536-537 समथिंग कुछ तो गया था। फिलहाल भाई अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसका भाई पीछे का हिस्सा इतना ज्यादा हल्का है क्या भाई, एक झटके में गाड़ी भाई मतलब पीछे के हिस्सा उठ गया। अभी ब्रेकिंग का टाइम आ चुका है। वाह ब्रो व्हाट अ ब्रेकिंग। खैर गाइस ये वाला गाड़ी ने भी बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस किया, इसे भी इधर पर रखते हैं, लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। ऑलराइट, तो बॉयज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से गाइस पाकिस्तानी लास्ट गाड़ी, जो कि अपने पास है किया का स्पोर्टेज। एंड भाई इसका मतलब एलॉय तो देखो भाई, पूरा डायमंड कट एलॉय है। फिलहाल 3, 2, 1 लेट्स गो। यहाँ पर फुल ऑन गाड़ी अपना जबरदस्त गया, 565 तक गया गाड़ी एंड इसी के साथ गाइस अभी आप लोग देख सकते हो भाई पावर अपना कितना ज्यादा ड्रॉप होते जा रही है।
खैर मुझे नहीं लगता भाई इस गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम उतना भी सही रहेगा, क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव है भी या नहीं भाई अभी देख लेते हैं भाई। ओ नहीं 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 इसका भी अच्छा, ओ भाई गया एक गाड़ी नीचे गया भाई, गलत सीन हो गया। खैर गाइज यहाँ पर आप लोग बताना भाई कितना क्या पॉइंट हुआ मतलब हर एक गाड़ी के साथ। आई होप गाइज आप लोगों को आज का वाला वीडियो पसंद है भाई, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ गाइज ये सिर्फ एक गेम है भाई लोग, कोई भी रियल लाइफ से कंपेयर मत करना। तो गाइज मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सो टाटा एंड बाय बाय बॉयज।